तो मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। सजा के बाद राहुल ने कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि 2-2 जज बदले गए, लिहाजा उन्हें एहसास था कि यही फैसला आएगा। बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि न्यायपालिका पर सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं राहुल गांधी को किस मामले में सजा मिली है। दरअसल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ बीजेपी नेता ने केस दर्ज कराया था। साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि आज कोर्ट में राहुल ने क्या कहा। दूसरी तरफ अगर कोर्ट से किसी सांसद या विधायक को 2 साल की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। तो सवाल ये कि क्या 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता भी खतरे में है, इसी पर टक्कर करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि अगर वो अपील के लिए ऊपर की अदालत में जाते हैं, हाईकोर्ट में जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या परिस्थितियां बन रही हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे गौरव भाटिया और सुप्रिया नेत से। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस की नाराजगी बढ़ गई है। अडानी को लेकर सड़कों पर उतरी पार्टी के कार्यकर्ता अब राहुल गांधी की सजा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हम आपको राहुल की सजा और उस पर हो रही सियासत से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान और उस पर बीजेपी का जवाब सुनिए। मालूम था पहले से, ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला जा रहा था, बदला गया। यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। अब राहुल की सजा की कहानी सुनिए। सुबह से सूरत कोर्ट में गहमा गहमी थी। सुबह के करीब 11 बज रहे होंगे जब राहुल गांधी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ अदालत में दाखिल हुए। राहुल के पहुंचने के 2 मिनट के भीतर अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए, 2 मिनट में जज साहब ने डिक्लेयर कर दिया डायस पर से कि मैं आपको 499 और 500 में आपको गुनहगार जाहिर करता हूँ। जब कोर्ट ने ये तय कर दिया कि राहुल गुनहगार है, तब सजा को लेकर दोनों ओर से बहस शुरू हुई। राहुल गांधी को कटघरे में बुलाया गया। अदालत ने पूछा कि आपको क्या कहना है, तब राहुल ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे ही राहुल गांधी जी कोर्ट में आए, तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये है, तो मैंने ये बोला था, जो भी है, इंटेंशनली कुछ नहीं किया था, जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कम्प्लेन उनको, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। राहुल के बोलने के बाद कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ी। कोर्ट में मौजूद राहुल गांधी के वकील ने कहा कि उन्हें दया नहीं चाहिए, वो माफी नहीं मांगेंगे। वकील साहब की ओर से दलील हुई, उसमें ये बताया गया कि भाई हम कोर्ट से कोई माफी नहीं मांगते, हमें कोई दया नहीं चाहिए। लेकिन जो अच्छा, राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि हमें दया नहीं चाहिए। जी, स्पष्ट शब्द में कहा गया कि हमें दया नहीं चाहिए। अच्छा, उन्होंने माफी मांगने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। माफी मांगने का सवाल नहीं था, कन्विक्शन हो ही गया है तो माफी मांगने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। माफी मांगने से सजा कम नहीं हो सकती। सजा को लेकर बहस आगे बढ़ी तो राहुल गांधी के वकील ने कहा कि राहुल ने सियासी नेता की हैसियत से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सांसद कानून तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा, ये उनकी पहली गलती नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राहुल को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी। फिर राहुल के वकील ने कहा कि उनके बयान से किसी को हानि नहीं पहुंची है। तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राहुल गांधी को सख्त सजा मिली। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील मान ली और राहुल को 2 साल की सजा सुना दी। फरियादी के वकील ने बोला कि राहुल जी को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया था कि माफी मांगी थी कि आपका कंडक्ट भविष्य में ठीक रहे। वो बात बताते हुए उसने मैक्सिमम सेंटेंस के लिए फरियादी के वकील ने दलील की। सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए राहुल को 30 दिनों की जमानत दे दी। कार्रवाई पूरी होने के बाद राहुल गांधी कोर्ट से बाहर आए। फिर आज तक ने उनसे सजा को लेकर सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।
महात्मा गांधी। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है, देश को जाति सूचक गाली देना है? राहुल गांधी जी के ऊपर ये एक इन्होंने साजिश है, ये बोलने का अपराध नहीं, ये कोई जुलूम नहीं, उनको लगा, उनको महसूस हुई, किसी के अपमान करने के लिए और किसी की छवि खराब करने के लिए नहीं कहा। कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है, तो क्या अब उनकी सांसद सदस्यता भी खतरे में है? जब तक स्टे मिलता है तब तक वो डिस्क्वालिफाइड, कानून के नजर में वो डिस्क्वालिफाइड है, तो स्टे ऑफ कन्विक्शन काफी मुश्किल है। यानी कोर्ट को इस सोच पे आना चाहिए कि केस बहुत कमजोर है। इससे कहीं ज्यादा आपत्तिजनक वक्तव्य दिन प्रतिदिन इनके द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा को अनदेखी अनसुनी कर दिया जाता है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद ये तय है कि सियासत तेज होगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी। सूरत से गोपी घांगर और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।